न्यूज 24x7 एंटरटेनमेंट चैनल के स्वाद बेमिसाल शो में मैं पारुल और मैं स्वप्निल आप सभी का स्वागत करते हैं। नमस्कार, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल। हेलो, तो दोस्तों चलिए पूछते हैं हमारी कुकिंग एक्सपर्ट स्वप्निल जी से कि आज वो हमें क्या बनाना सिखा रही हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड के दही बड़े। अरे वाह स्वप्निल जी, ब्रेड के भी दही बड़े बनते हैं? ब्रेड के दही बड़े बहुत स्वादिष्ट बनते हैं और बहुत जल्दी बनते हैं, और अगर किसी को ना बताओ तो पता भी नहीं चलेगा कि ये दाल के दही बड़े हैं कि ब्रेड के दही बड़े। हाँ। और जैसे कि सभी जानते हैं कि दाल के दही बड़े बनाने में वक्त लगता है, दाल भिगोनी पड़ती है, तो काफ़ी तैयारी होती है, लेकिन अगर कोई मेहमान आए तो इंस्टेंट ये दही बड़े बना के सर्व किए जा सकते हैं। तो हमने ब्रेड के दही बड़ा बनाने के लिए 6 स्लाइसेस वाइट ब्रेड के लिए हैं। जितने पीस दही बड़े बनाने हैं उतने स्लाइसेस लें और इसमें वाइट ब्रेड का ही इस्तेमाल करें, उसका स्वाद ज़्यादा अच्छा आता है। ब्राउन ब्रेड से उतने अच्छे दही बड़े नहीं बनेंगे। अब सबसे पहले हम इसके कॉर्नर्स काट के अलग कर देंगे। इस तरह से सभी कॉर्नर्स को हम काट लेंगे। हमें सिर्फ ये जो सेंटर का सॉफ्ट पोर्शन है वो ही चाहिए, और ये जो कॉर्नर्स आपके बच गए हैं इसको वेस्ट ना करें, इसके ब्रेड क्रम्स बना के इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरह से हम सभी ब्रेड के स्लाइसेस को तैयार कर लेंगे। इसी तरह से मैंने सारे स्लाइसेस काट के तैयार करके रख लिए हैं। अब एक बाउल में 1.5 चम्मच हम दही लेंगे और इसमें लगभग 1 कप पानी डाल देंगे। अभी हमें इस दही की एक पतली सी छाछ तैयार करनी है। 1/4 चम्मच के करीब इसमें हम नमक डाल देंगे और इसे अच्छे से विस्क करके मिला लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। तो किसी विस्कर की सहायता से इसे विस्क कर लेंगे हम। अब हम एक एक स्लाइस ब्रेड का उठाएंगे और उसको इस मठे में हम डिप करेंगे, और उसके बाद हाथों से दबा के इसमें से हम मठा पहले स्क्वीज करके निकालेंगे और हाथों के बीच ऐसे गोल करते हुए इसे हम एक बड़े का शेप देंगे। तो मैं ये हटा लेती हूँ और इसके नीचे एक और बाउल रख लेती हूँ। इस तरह से देखिए, इस तरह से हाथों के बीच में इसे दबाते हुए हम गोल करेंगे या चपटा कर लीजिए, एक बड़े का आकार इसे हम देंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसे एक बड़े का आकार दे दिया है। तो ये एक बड़ा हमारा तैयार हो गया है। ऐसे ही सारे बड़े तैयार कर लेते हैं पहले। अब हम गाढ़ा मलाईदार दही लेंगे, थोड़ा सा विस्क करके इसको चला लेते हैं, इसमें लम्स ना रहे। अभी आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी गाढ़ा है, और दही आपको कितना डालना है ये डिपेंड करता है कि कितने दही बड़े हम तैयार कर रहे हैं। अभी काफ़ी गाढ़ा है, मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी डालूँगी और इसे एक बार फिर से अच्छे से विस्क करूँगी। इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए, इस तरह का हमने रख लिया है इसको, ना बहुत गाढ़ा ना बहुत पतला। अब इसमें हम नमक डालेंगे और इसे भी मिला लेंगे। अब एक बर्तन में जिसमें दही बड़े हमें अरेंज करने हैं उसमें हम इस तरह से ये बड़े रखेंगे और इसके ऊपर हम ये दही डाल देंगे। अब हम थोड़ा सा भुने जीरे का पाउडर इसके ऊपर डाल सकते हैं। इसी तरह से थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर भी मैं डाल दूंगी, जितनी लाल मिर्च पसंद है उस हिसाब से डाल दें, कम ज़्यादा। थोड़ी सी मैंने इसमें लाल मिर्च भी डाल दी, और इसको अब हम 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। उसके बाद हमारे दही बड़ों के अंदर दही अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा और उसके बाद हम इसे सर्व कर सकते हैं। अरे वाह स्वप्निल जी, ये दही बड़े तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं, और देखिए कैसे फूल कर आ गए हैं। हाँ देखो कितनी जल्दी बन गए। और मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि जब भी ब्रेड के दही बड़े बनाएं
तो ज़्यादा टाइम इसे दही में ना रखें, लगभग 15 मिनट पहले ही इसे बनाएं और दही डालने के बाद 15 मिनट के बाद इसे सर्व कर दें, क्योंकि ये ब्रेड है बहुत लंबे समय तक दही में रहेगी तो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, मैनेज करना मुश्किल होगा। बस इंस्टेंट दही बड़े हैं, फटाफट बनाएं और फटाफट सर्व कर दें। बहुत ही अच्छे बने दही बड़े, ब्रेड के इतने स्वादिष्ट मुझे नहीं पता था, ये इतने अच्छे बने, बहुत सॉफ्ट और बहुत ही लजीज हैं। थैंक यू पारुल। स्वप्निल जी, ये बात तो पक्की, मैं आज घर जाती इसको सबसे पहले ट्राई करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम्हें अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शक जो हमारा एपिसोड देख रहे हैं वो भी सीखेंगे और बनाएंगे और अपने परिवार को खिलाएंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार व्यंजनों को सीखने के लिए आप हमारा शो स्वाद बेमिसाल देखते रहिए और हमारे चैनल News24x7 एंटरटेनमेंट को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब का बटन हिट करते वक्त बगल में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर हिट करिए, जिससे कि हमारी सभी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो अगली कड़ी में एक नए व्यंजन के साथ फिर से मुलाकात होगी। जरूर। नमस्कार, नमस्कार।